कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त वाराणसी से करीबन 22-25 किलोमीटर दूर मिर्जापुर फोर्ट में जो गेस्ट हाउस है वहां पर रुकी हुई हैं, और ये देख सकते हैं कि चारों तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। जहां तक अभी ये दावे किए जा रहे हैं कि इनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, 6.5 घंटे वक्त बीत चुके हैं इसी ये गेस्ट हाउस में ये रुकी हैं। प्रियंका जी, क्या कहेंगी, इतने 6.5 घंटे वक्त बीत गए, अब आगे क्या आपका स्टैंड है? मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब वो मुझे बताएंगे कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया है, कौन सा कानून है, कौन सा सेक्शन है, तब मैं तय करूँगी कि आगे क्या करूँ। एक सवाल ये है कि 1955 के बाद से आपकी भी तमाम सरकारें आईं और गईं, और अगर आप हक की हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, किसकी सरकार है, किसकी सरकार है बताइए? नेहरू जी की सरकार है, किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, हत्याएँ हो रही हैं, महिलाओं पे रोज़ रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है आप बताइए? आप पूछ रहे ना, आप बताइए, आप यूपी के हैं, बताइए। लेकिन सरकारें आपकी भी तमाम है, अगर हक और हुकूक की बात ही करें तो आपकी सरकारें जो आईं और गईं उन्होंने क्यों नहीं उद्धार किया? आज वर्तमान में किसकी सरकार है, किसकी सरकार में ये हत्याएं हुई हैं? योगी आदित्यनाथ और बीजेपी। फिर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी? अपनी जिम्मेदारी की इसका एहसास तो करें। जब इंसान एहसास करेगा तभी तो कोई कार्रवाई करेगा। अगर एहसास ही नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस की तो सरकार नहीं है ना भाई। कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं, इस बात को कह के यहाँ पर प्रियंका गांधी जा चुकी हैं, और 6.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। इनका साफ कहना है कि जो मौजूदा सरकार है, योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की सरकार है, उसकी ये पूरी जिम्मेदारी है। रोशन कुमार, वाराणसी।